पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ की अनुशंसा पर राज्य एवं जिले में कई जिम्मेदारियां। गंगा प्रसाद तिवारी बने प्रदेश उपाध्यक्ष। विश्वनाथ ओकटे संभालेंगे जिला कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने मेधावी तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए प्रदान की 10,09,000 की राशि। सांसद कप क्रिकेट और सांसद कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन के बाद खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सांसद कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट 12 मार्च से। और महाशिवरात्रि पर पतालेश्वर धाम से ग्लोबल नेटवर्क करेगा प्रभु के दर्शनों का सीधा प्रसारण। बड़ी माता मंदिर में त्रिशूल पूजन के साथ शिवरात्रि की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अनुशंसा पर आईसीसी प्रेसिडेंट के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी अब प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बनकर जिम्मेदारी संभालेंगे। छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे को सौंपा गया है। दोनों ही नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर जिला कांग्रेस मुख्यालय खुशियों के उत्साह से भर गया। कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने जमकर खुशियां मनाई और पंडित गंगा प्रसाद तिवारी को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा विश्वनाथ को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनने पर बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे द्वारा प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने पर पंडित गंगा प्रसाद तिवारी का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। मेरे प्रिंट के साथ प्रिंट मीडिया के साथियों, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, अभी माननीय अध्यक्ष जी और हमारी पूरी कोर कमेटी की टीम नगर निगम से चर्चा कर रही थी। वहीं अध्यक्ष जी को फोन आया कि माननीय तिवारी जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष और मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, हमारे जिले के सांसद नकुलनाथ जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय कमलनाथ जी ने हम दोनों को जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित ही हम माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के आभारी हैं। और मैं तिवारी जी से विशेषकर निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ और उनके आशीर्वाद से ही मैं इस पद पर काम करने के लायक बनने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे ज़िले में माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी और कांग्रेस की नीतियों का जो आज आधार स्तंभ है, माननीय तिवारी जी ने लंबे समय तक इस पद पर काम करते हुए हमने जो उनसे जो सीखा है, निश्चित ही हम सब मिलकर माननीय तिवारी जी, माननीय दीपक सक्सेना जी और यहाँ के जितने वरिष्ठ हमारे नेता है, सब मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे कि कांग्रेस कमेटी की नीतियों को और हमारे ज़िले के सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोग ज़िले में एक अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, जिससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मुझे दो हमारे जो वरिष्ठ नेता है, ज़िले के अन्य आदरणीय दीपक सक्सेना जी, आदरणीय तिवारी जी, गोविंद राय जी और जितने हमारे कांग्रेस के विधायकगण हैं और जितने हमारे युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस, जितने हमारी विंग है, सबके सहयोग से मैं कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करूँगा। और आप सबको सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी साथी मिलकर प्रयास करेंगे कि हम कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेंगे। आप सबका सहयोग मुझे अपेक्षित है, क्योंकि मैं एक छोटा सा परिवार का व्यक्ति हूं और मुझे कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं इस लायक तो हूं नहीं, लेकिन कमलनाथ जी जिम्मेदारी मुझे दी, नकुलनाथ जी जिम्मेदारी दी। मैं प्रयास करूँगा कि तिवारी जी के सहयोग से इसको पूरा करने का प्रयास करूँगा और हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। आप सबको माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी ने निर्णय लिया है कि हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विश्वनाथ ओकटे जी होंगे और मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष होऊंगा। मैंने आज ही आदेश आया, माननीय कल्याण से बात हुई और मैंने आज ही भाई विश्वनाथ ओकटे को पद ग्रहण कराया है और उनको मेरी पूरी शुभकामनाएँ हैं
और हमेशा मेरा उनको साथ रहेगा। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, जो एक लंबे अरसे से जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारियां का निर्वहन कर रहे थे, उनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष बनाया है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी खुशी का मौका है। कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों ने रैली निकाली, ढोल गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। विश्वनाथ ओकटे हंसमुख, मिलनसार और सरल व्यक्तित्व के नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने 69 बच्चे बच्चियों के लिए 10,09,000 की राशि उनकी शिक्षा प्रोत्साहन के लिए प्रदान की है। राजीव भवन में आयोजित एक सादे समारोह में आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने बच्चों को चेक वितरित किए। रजेश गोस्वामी सभी बच्चों और अभिभावकों ने सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दिल से आभार माना। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की दया से ये 15,000 का चेक मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे मिला। धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को। मुझे 25,000 रुपए का चेक मिला है, इससे मेरी मतलब स्टडी का पूरा खर्चा निकल जाएगा। मैं माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का बहुत आदर करता हूँ और उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा मुझे 15,000 का चेक मिला है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। राशि उनको दिलाई जाए। माननीय नकुलनाथ जी ने आज उनके स्वीकृति प्रदान की थी और आज 69
बच्चे बच्चियों को चेक दिए गए। ये चेक की राशि है 10,09,000 रुपये। इसके पहले भी माननीय नकुलनाथ जी के माध्यम से बच्चों को इस तरह की राशि प्रदान की गई है और हमेशा माननीय नकुलनाथ जी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। मोहन नगर में हिडन पैलेस हुक्का बार में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। लंबे समय से इस हुक्का बार की शिकायतें मिल रही थी। यहां पुलिस ने पाया कि एक ही हुक्के से कई लोगों को हुक्का पिलाया जा रहा था। कोतवाली पुलिस एवं ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने कोरोना वायरस को देखते हुए संचालक पर कई धाराओं के तहत मामला कायम किया है। हुक्का सहित पुलिस ने अन्य सामग्री भी जब्ती की है। कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि सृष्टि माता मंदिर के पास हिडन प्लेस नामक कोई एक दुकान संचालित हो रहा है, जिसमें हुक्का बार जो है बनाकर उसको कार्यरत है। तो वहाँ जाके ड्रग इंस्पेक्टर को साथ में लेकर आकस्मिक चेकिंग किया तो वहाँ पे देखा कि कुछ लोगों को हुक्का का जो है वहाँ संक्रमण के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। एक ही हुक्का के पाइप से बार बार अलग अलग ग्राहकों को पिलाया जा रहा था, जिसके तहत तो संक्रमण की बीमारी होने का पूर्णतः खतरा था। एवं वहाँ पे सिगरेट का भी सेवन जो है संचालक द्वारा कराया जा रहा था, जो कोटपा एक्ट के तहत वो अपराध है। तो संचालक के विरुद्ध 269 IPC एवं कोटपा के धारा 421 के तहत कार्रवाई की गई है। वहाँ से हुक्का के 3 हुक्का है एवं उससे संबंधित सामग्री वगैरह जब्त किया गया है। हम फाउंडेशन भारत के जिला अध्यक्ष सत्यन ठाकुर एवं सदस्यों ने आज रेलवे जिम के खिलाड़ियों का सम्मान किया। दरअसल पांडुना में आयोजित जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जिम के सदस्यों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 9 पदक प्राप्त किए तथा एक खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे छिंदवाड़ा की रेलवे स्टेशन की स्पार्टन जिम के द्वारा पांडुना में जिला स्तरीय आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे जिम के सदस्यों ने किया है। इसके लिए हमें कोच गोविंद चौहान जी, अपना डायरेक्टर गोविंद चौहान जी, कोच संतोष करोसिया जी और अन्य टीम के सदस्य जिन्होंने टोटल 9 पदक जीते हैं, जिसमें हमारी टीम के एक सदस्य का चयन गोल्ड मेडल के लिए भी हुआ है और वो 10 तारीख को प्रयागराज में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये पूरे छिंदवाड़ा जिले के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो वहां पे भी जाएं और छिंदवाड़ा का नाम रोशन करें। इसी तारतम्य में हमारे हम फाउंडेशन भारत के विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष भाई हिमाचल ठाकुर जी, सचिव मनीष बत्रा जी, उपाध्यक्ष नितेश गुप्ता जी, शाखा सदस्य हमारे विनीत साहू जी और हम फाउंडेशन के अन्य सदस्यों द्वारा आज इन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, उत्साहवर्धन किया गया और प्रयागराज में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए हमने इनको अपनी शुभकामनाएं दी और साथ ही ये अपेक्षा की है कि वो प्रयागराज में भी छिंदवाड़ा जिले का नाम रोशन करेंगे और ये भी कहा कि हम फाउंडेशन भारत ऐसी समस्त विभूतियाँ जो किसी आर्थिक कारणों से नहीं जा पाती हैं उनको भी सहयोग करेगा। ऐसी हमारी कोच से और डायरेक्टर साहब से बात हुई है। हम फाउंडेशन भारत हमेशा खिलाड़ियों के लिए तत्पर है, तैयार है। जय हिंद, जय भारत। गर्ल्स कॉलेज के सामने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 250 छात्राएं सियूनी रवाना हुई। ये छात्राएं आज सियूनी में आयोजित शक्ति चेतना सम्मेलन में शामिल होंगी। जय श्री राम और नमस्कार।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिवनी विभाग में छात्रा सम्मेलन है, जिसमें छिंदवाड़ा, शिवनी और बालाघाट जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे पूरे छिंदवाड़ा जिले से हम लोग कुल 250 छात्राओं की संख्या लेकर शिवनी अकेले अभी रवाना हो रहे हैं। और वहाँ पर हमें पूरा एक हमारे कार्यक्रम है शक्ति चेतना, जिस वो पूरा छात्राओं का कार्यक्रम है जिसमें हम पूरी छात्रा इकट्ठे जा रही हैं, जिसके लिए हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये सब जो कार्यक्रम है वो नारी सशक्तिकरण और नारी का देश निर्माण में जो हाथ है उसको लेकर, जो देश की जो गौरव है बेटियां, उन सभी विषय को इसमें एकत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 9 मार्च को अपनी मांगों के संदर्भ में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा भी हुआ। कर्मचारियों में आक्रोश की खबर पाते ही कलेक्टर के निर्देश अनुसार तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर 15 दिनों के अंतर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। वेतन मान नहीं लागू करे, मतलब 5-5 माह की वेतन नहीं मिली, 11-11 माह की वेतन नहीं मिली। आप क्या हम चाह रहे हैं 13 दिन अवसर देखिए, 24 दिन हड़ताल हुई, 7 दिन हुई, फिर 7 दिन हुई, 13 दिन ये काम करते हैं। मतलब ब्लॉक हम लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनका नेतृत्व करते हैं, ठीक है। हाँ तो सर, इनके साथ अन्याय, 5 माह होगा वेतन नहीं मिला, कैसा खर्चा है, बात कर लीजिए। बिल्कुल सही जी भाई, आपकी निराकरण की स्थिति कितने दिन में हो गई, आप समझ रहे हैं, जैसे आपको कितने दिन वो हमने ये ज्ञापन साफ कितने दिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये होगा या नहीं, लेकिन आपकी जो भी बात है उसकी जाँच हूँ मैं। जो भी चीज है उसकी जांच होना चाहिए, उसका निराकरण होना चाहिए, आप यही चाहते हैं। मैं भाई ऐसे झूठ कैसे बोलूं कि सब हो जाए, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूं। भाई आपकी जो भी बिंदु है उसकी आपको जांच चाहिए कि सही हो तो कर दो, नहीं हो तो बता दो, बिल्कुल यही है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 15 दिन का टाइम आप 15 दिन में साहब चर्चा करके फिर आपका जो प्रतिनिधिमंडल 5 लोगों का जाए तो साहब के पास, ठीक है, आपका मन ये नहीं, बिल्कुल यही चाहते हैं, ठीक है। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी लोग ज्ञापन देने आए थे और इनकी विभिन्न तरह की 17 मांगों का उन्होंने ज्ञापन हम लोगों को सौंपा है, जिसमें ज़्यादातर मामले जो है, जैसे अंशकालीन कर्मचारियों को तो रेगुलर किया जाए, शासन स्तर का मामला है, हमारे स्तर का है, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको रेगुलर वेतन मिले, तो आवंटन के अनुसार हम लोग जो है उनका वेतन भुगतान करते हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अभी जरूर 4 महीने का वेतन जो है इन लोगों का भुगतान नहीं हुआ था, अब बजट आ गया है, फरवरी तक का इनका भुगतान हो जाएगा। अभी किन सड़कों पर माने कितने दिन की मोहलत दी गई? हमने इनको 15 दिन की मोहलत दी है। कुछ लोगों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के भी इस ज्ञापन में उल्लेख किया है कि इनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जो लोग आकस्मिकता निधि में कर्मचारी कार्यरत थे उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं आती, तो जो नियमानुसार है वो कार्यवाही हम लोग करेंगे। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं, लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 AC रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानून अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162-298-001, फोन नंबर है 07162-298-001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
शहर में अब सांसद कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन की तैयारी को लेकर आज राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। छिंदवाड़ा जिले में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सांसद क्रिकेट कप और फुटबॉल कप की सफलता के बाद अब सांसद कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट 12 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 8 टीमें महिला वर्ग की और 8 बॉयज की टीम होंगी। टूर्नामेंट में सिर्फ जिले की ही टीमें भाग लेंगी। 12 मार्च से ये मैच 3 बजे से प्रारंभ होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय नकुल नाथ जी की प्रेरणा से लगातार जिले की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उन्हें खेल का एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करने के लिए लगातार खेल आयोजन किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे द्वारा सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसकी अपार सफलता के बाद जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच प्रदान करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सांसद कप फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित कराई गई थी हमारे द्वारा। अब उसी क्रम में सांसद कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप हमारे द्वारा करवाई जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जिले के जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं उनको एक बेहतर मंच हम लोग प्रदान कर सकें और अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकें, इसी उद्देश्य को लेकर ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से, माननीय कमलनाथ जी की प्रेरणा से हम आयोजित कर रहे हैं। देखिए, आज बैठक जो आयोजित की गई है, सांसद कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना है, माननीय हमारे क्षेत्र के सांसद नकुलनाथ जी की अनुशंसा पे बास्केटबॉल सांसद कप का आयोजन किया जा रहा है। और हम लोगों का उद्देश्य यह है कि इस नाम से ज़्यादा बच्चे ग्राउंड में आके खेलें, उनकी प्रतिभा का निखार हो और स्पोर्ट्स जो है जो घरों से दूर पहुंच रहा है, उसको हमारी कोशिश है कि इन टूर्नामेंट्स के द्वारा खेल में रुचि पैदा की जाए, बच्चों की अभिभावक भी आके देखें बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है, ये बहुत से लोग नहीं जानते। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है जिसको बच्चा जिससे परिचित है। हम लोगों की कोशिश ये है कि बास्केटबॉल के ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन किए जाएं, जिससे लोकप्रिय हो खेल। और इस तरीके से हमको यदि सपोर्ट मिलता रहेगा तो नो डाउट हम भी छिंदवाड़ा से इंटरनेशनल खिलाड़ी निकाल सकेंगे। ये टूर्नामेंट टूर्नामेंट 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आयोजित किया जाना है। सारे मैचेस जो हैं दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होंगे। 8 टीमें गर्ल्स की और 8 टीमें बॉयज़ की हैं इसमें। सभी, क्योंकि सांसद कप है इसलिए छिंदवाड़ा जिले की टीमें ही इसमें भाग ले सकेंगी। 9 मार्च की शाम कलेक्ट्रेट के सामने ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम हुनर हॉट के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें नृत्य एवं गायन विधाओं की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। Sa, 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 sa
पाठाढाना में स्थित प्राचीन दुर्गा हनुमान मंदिर में प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पूजन आरती कर स्वागत किया गया। पानी पी लो पानी। छोटी बाजार श्री बड़ी माता मंदिर से विगत 50 वर्षों से लगातार महादेव बाबा को त्रिशूल भेंट किया जाता है। इस वर्ष भी विशाल त्रिशूल निर्मित कराया गया है जो काशी विश्वनाथ मंदिर में भेंट किया जाएगा। इस बार खास बात है कि प्रतिदिन त्रिशूल का अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जा रहा है। शिव भक्तों द्वारा उज्जैन महाकाल की तर्ज पर कभी गुलाब से तो कभी रुद्राक्ष से और कभी पान से त्रिशूल का श्रृंगार किया जाता है। लगभग 50 वर्षों से चौरागढ़ पंच कमेटी बड़ी माता मंदिर एवं श्री राम मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में यह श्रृंखला लगभग 50 वर्षों से चली आ रही है। इस श्रृंखला के तहत चौरागढ़ पंच कमेटी के द्वारा भविष्य में चांदी के, पीतल के, तांबे के, लोहे के, निकिल के और मेटल कलर के अनन्य प्रकार के त्रिशूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते चले आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में समिति ने एक नया इतिहास रखते हुए पिछले 8-10 वर्षों से निकल के स्टेनलेस स्टील के त्रिशूल बनाने का कार्य प्रारंभ किया है, तो देश के विभिन्न कोने कोने में स्थापित ज्योतिर्लिंगों में उनकी स्थापना की जा रही है। समिति के द्वारा विगत 8 वर्षों से 8 ज्योतिर्लिंगों में त्रिशूल की भेंट की जा चुकी है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष समिति के द्वारा भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल अर्पित करने के बाद में यह त्रिशूल
बाबा काशी विश्वनाथ को समर्पित होगा, तो निकट समय में समिति के द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ में इसको समर्पित करने के लिए ले जाया जाएगा। इसी संग्रह में हमारे युवा नौजवान लोगों ने एक इतिहास रचा है, जो तो देश के कोने कोने में छिंदवाड़ा चौरागढ़ के त्रिशूल को लोग पहचानते हैं, जानते हैं और एक अमिट छाप उनके सामने बनी हुई है। इसी श्रृंखला में आज हमारे युवा जो हैं कि आज प्रतिदिन भगवान का नया नया श्रृंगार किया जाता है, प्रतिदिन आपको भगवान का नया श्रृंगार को देखने को मिलेगा। इस श्रृंगार की बेला में भाई हमारे मनु चौरसिया हैं, संकित जी जैन हैं, आकाश जी सोलंकी हैं, हमारे गोलू जी सोनी हैं एवं समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के लिए जिससे जो सेवा बनती है वे हमेशा तत्पर करते चले जाते हैं। और आने वाले समय में भी यह श्रृंखला हमारे युवा नौजवान साथी देश के विभिन्न देशों में जो त्रिशूल चढ़ाने का काम रह गया है उसको भी अनवरत कर इससे पूरा करेंगे। हमारे इस त्रिशूल की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए हमारे ही एक मित्र भाई जो कि महाराष्ट्र से आए हुए थे, भाई हमारे जगन्नाथ राव जी पटेल, आपकी प्रथम प्रेरणा से यहाँ से भगवान के भोलेनाथ को त्रिशूल अर्पण करने के लिए ले जाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और उसी श्रृंखला में आज 50 वर्षों से यह त्रिशूल नियमित भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है और उसके बाद यह त्रिशूल देश के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों में स्थापित किया जाता है। आगे भी हम चाहते हैं कि इसी प्रकार का उत्साह हमारे नौजवान युवा साथियों में बना रहे ताकि अन्य ज्योतिर्लिंगों में यह त्रिशूल पहुंच सके और देश में ही नहीं विदेशों में ही इस त्रिशूल की छाप छोटी व्यास के त्रिशूल के रूप में अमिट बनी रहे। जय श्री राम, जय जय महाकाल। हर बार जो श्रृंगार कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, हम देखते चले आ रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर में जो प्रतिदिन श्रृंगार होता है उसको देखते हुए उसकी तर्ज पर हमने हमारे जो बड़ी माता प्रांगण में त्रिशूल लगा है हम उस पर श्रृंगार करते हैं। हर रोज नए नए तरह के नए नए फूलों से हम श्रृंगार करते हैं। अभी तक हमने गुलाब के फूलों का और बेलपत्ती का, माला का, मखाने का और पान का, हर चीज का श्रृंगार यहाँ हो चुका है। रुद्राक्ष की माला का श्रृंगार आप 12 तारीख को देखेंगे। जय श्री माता। महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति मोक्षधाम समिति द्वारा शिवरात्रि पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी तरह के भंडारे महाप्रसाद का आयोजन नहीं होगा, सिर्फ मंदिर समिति के सदस्य महाआरती अभिषेक पूजा अर्चना करेंगे। श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे, मंदिर में प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। जय श्री महाकाल। मारुति नंदन सेवा समिति हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम से बाबा भोलेनाथ का पर्व शिवरात्रि मनाने की तैयारी की गई थी, लेकिन शासन के निर्देश अनुसार और कोविड-19 को देखते हुए सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं, भंडारा रद्द कर दिया गया है। केवल मंदिर की साज सज्जा एवं पूरे मंदिर सजाए गए हैं, मंदिर द्वारा अभिषेक किया जाएगा और भस्मी आरती की जाएगी और सभी श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन कराया जाएगा। मंदिर के अंदर किसी भी श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। जय श्री महाकाल। पतालेश्वर धाम में विगत 19 वर्षों से शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा विशाल फरारी भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एवं प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार इस भंडारे का आयोजन नहीं होगा। शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा विगत 19 वर्षों से श्री पतालेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशाल फलाहारी भंडारा लगाते हम आ रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्णय को सरोधार करते हुए इस वर्ष हमारे मंडल ने निर्णय लिया है कि महाशिवरात्रि पर्व में हमारे द्वारा भंडारा कार्यक्रम नहीं लगाया जाएगा, साथ ही ना ही हिम शिवलिंग के दर्शन होंगे। हम नगर के सभी श्रद्धालु भक्तों से, माताओं बहनों से हम निवेदन करते हैं मंडल की ओर से कि वे अपने घरों के पास में मंदिरों में दर्शन करें और मेला क्षेत्र में बिल्कुल भी ना आए। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ की अनुशंसा पर राज्य एवं जिले में कई जिम्मेदारियां। गंगा प्रसाद तिवारी बने प्रदेश उपाध्यक्ष, विश्वनाथ ओकटे संभालेंगे जिला कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने मेधावी तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए प्रदान की 10,09,000 की राशि। सांसद कप क्रिकेट और सांसद कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन के बाद खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सांसद कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट 12 मार्च से। और महाशिवरात्रि पर पतालेश्वर धाम से ग्लोबल नेटवर्क करेगा प्रभु के दर्शनों का सीधा प्रसारण। बड़ी माता मंदिर में त्रिशूल पूजन के साथ शिवरात्रि की तैयारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।